please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. गायक सोनू निगम की नजर में 2019 में भी नरेंद्र मोदी ही बेहतर पीएम साबित होंगे। वहीं कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोस के कश्मीर पर दिए बयान पर न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में सोनू निगम ने कहा कि आजादी की बात सोच समझ कर बोलनी चाहिए। कश्मीर का माहौल चल रहा है, अभी बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन टूटा इस तर्ज पे कि मतलब कश्मीर के साथ कोई समझौता नहीं। देखिए, हालांकि मैं एक बार फिर से रीइंफोर्स कर दूं कि मैं राजनीति में नहीं हूं, आपकी ही तरह मैं भी राजनीति के बारे में हम अवगत हैं, हम न्यूज़ देखते हैं, हम लोगों से बातें करते हैं, समझते हैं क्या हो रहा है। सो मैं तो बहुत छोटा मुँह बड़ी बात वाली बात हो जाएगी, बट मेरे हिसाब से बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन नहीं होना चाहिए था। पहली बात, ये दो क्या बोलते हैं उसको, एल्कलाइन एंड एसिडिक पार्टीज है, कोई मतलब नहीं बनता। और जो कश्मीर में हो रहा है ये तो ऑब्वियसली दो चार धूर्त लोग इकट्ठे हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं, एक हिंदू की तरफ से, एक मुसलमान की तरफ से, एक फलाना पार्टी की तरफ से। 2019 में मोदी जी के खिलाफ पूरा बीजेपी के खिलाफ देखा जाए तो पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। कांग्रेस कह रही है राहुल गांधी मतलब प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं और 2019 में प्रधानमंत्री बनेंगे। आपसे जानना चाहूँगी किसको बेहतर प्रधानमंत्री देखते हैं, मोदी जी या फिर राहुल गांधी? अनडाउटेडली, और हैविंग सेड दैट, मुझे ये भी पसंद नहीं है कि जिस तरीके से लोग राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हैं, मुझे ये भी पसंद नहीं है। तो मैं ये कहने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको ये बता दूँ कि मुझे राहुल गांधी के बारे में जोक्स पढ़ना या कोई वर्मीम्स जो आती हैं या मुझे वो पसंद नहीं है। एंड आई थिंक दिस इज़ बैड कंडक्ट। एक सिविलाइज सोसाइटी में आप किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते। हैविंग सेड दैट, आई फील नरेंद्र मोदी ने एक एग्जाम्पल तो सेट किया है। राजस्थान के जयपुर में बीजेपी का एक कार्यकर्ता अपने मोबाइल फोन पर कांग्रेस की ओर से आया एक मैसेज दिखाने लगा। ये कार्यकर्ता बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं में शामिल हैं जिनका आरोप है कि कांग्रेस के प्रोजेक्ट शक्ति के तहत सदस्यता अभियान से जोड़ने के लिए उनको ये मैसेज भेजा गया, जो बीजेपी को नागवार गुजरा। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस अपने सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए फर्जीवाड़ा कर रही। मेरे पास 13 जून से मैसेज आना चालू हो गए हैं, पहले राहुल गांधी के, फिर सचिन पायलट के, कि लिंक करिए, इससे जुड़िए। भाजपा के कार्यकर्ता हो या ऊपर स्वर्ग में गए हुए लोग, उनको वो लोग अपने शक्ति प्रोजेक्ट से जोड़ रहे हैं, बहुत ही हास्यास्पद है। हालांकि बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस ने दावा किया कि उसके सदस्यता अभियान के पीछे कोई साजिश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनिंदा नेता जो सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं और इस चुनावी वर्ष में चुनाव के लड़ने के भी आकांक्षी हैं, उनके द्वारा ही भ्रम फैलाया जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि अपनी घटती लोकप्रियता और असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ये सियासी हथकंडा अपना रही है। हरियाणा के मेवात में एक मुस्लिम परिवार के कुछ लोग शादी के कार्ड दिखाने लगे। शादी के इस कार्ड में खास बात यह है कि इसके जरिए मेहमानों से कांग्रेस को वोट देने की अपील भी की गई है। और यही वजह है कि शादी के इस कार्ड की इलाके में खूब चर्चा है। मेवात के रहने वाले जियाउल हक की शादी राजस्थान के अलवर में होने वाली है, जहां विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। जियाउल हक का परिवार कांग्रेस का समर्थक है और दुल्हा खुद कांग्रेस का कार्यकर्ता है, इसलिए मौका देखते हुए उसने अपनी शादी के कार्ड पर कांग्रेस के लिए वोट देने की अपील कर दी। और उसके बाद जियाउल हक के दोस्तों ने कार्ड को सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। करीबियों ने तो दुल्हे का साथ दिया, लेकिन शादी के कार्ड का सियासी इस्तेमाल कई लोगों को चुभ गया। कार्ड वायरल हुआ है, इससे मेरे पास काफी फोन आए हैं, मुझे धमकाने के भी फोन आए, मुझे सपोर्ट भी मिला है। एक ओर जियाउल हक का परिवार शादी की तैयारी में जुटा है, दूसरी ओर इलाके में उसकी शादी का कार्ड चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। यूके के कई शहरों में भारत के ऑटो रिक्शा की मांग जोर पकड़ रही है। साउथहैम्पटन, लंदन और हैम्पशायर समेत कई शहरों के बाद अब यूके का कार्डिफ ऐसा शहर है जहां ऑटो रिक्शा चलाने पर काम किया जा रहा है। यूके में ऑटो रिक्शा को टुकटुक के नाम से जाना जाता है और सबसे अहम बात यह है कि यूके में चलने वाले ऑटो रिक्शा सबसे ज्यादा भारत से मंगाए जाते हैं, इसीलिए यूके में टुकटुक का चलन बढ़ने से भारत में ऑटो रिक्शा बनाने वाली कंपनियों को मुनाफा जरूर हो रहा। हालांकि यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े ब्रिटेन के कानूनों के हिसाब से भारतीय कंपनियों को ऑटो रिक्शा में कुछ बदलाव करने पड़ते हैं। राजस्थान के कोटा में निजी बिजली कंपनी के अधिकारियों को विधायक संदीप शर्मा मुस्कुराने का अंजाम भुगतने की धमकी देने लगे। विधायक ने ये धमकी तब दी जब बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए कोटा के सांसद ने बिजली कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें विधायक संदीप शर्मा भी शामिल हुए, जो बैठक के समय ही अधिकारियों पर पूरी तरह से बरस पड़े। विधायक ने कंपनी के दफ्तरों में ताला लगाने की धमकी भी दी। जो ऑफिस खोल रखे हैं ना, इनमें ताले लगा के वापस कलकत्ता चल जाओगे। पार्षद नरेंद्र हाडा एक कदम आगे निकले और भरी बैठक में अधिकारियों को गाली तक देने लगे।
अधिकारियों के साथ पार्षद और विधायक ने ये बर्ताव सांसद ओम बिरला की मौजूदगी में किया, जिन्होंने बिजली कंपनी पर काम करने के बजाय अंधाधुंध कमाई करने का आरोप लगाया। उपभोक्ताओं से लूट मचाओ और धन कमाने के लाओ, ये मकसद सरकार का नहीं। ये सभी बिजली की कटौती और स्मार्ट मीटर लगाने की बिजली कंपनी की कोशिश से खफा थे। बिजली सप्लाई से जुड़ी ऐसी तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए कंपनी को 15 दिन का वक्त देने के बाद ये बैठक खत्म हो गई। संसद में मॉनसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होगा। संसद का मॉनसून सत्र अगले महीने 18 जुलाई से शुरू होकर 10 अगस्त तक चलेगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में सिशेल्स के राष्ट्रपति डेनी फाउरे के स्वागत समारोह के दौरान गर्मी की वजह से गिरे एयरफोर्स के एक जवान का पीएम नरेंद्र मोदी ने हलचल लिया। दिल्ली के नरेला में एक बच्ची के रेप के आरोप में पुलिस ने एक नाबालिग लड़के को पकड़ लिया। हरियाणा के सोनीपत में भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाते हुए आरटीआई अर्जी डालने वाले एक आदमी के सहयोगी की गोली मारकर हत्या करने का आरोप गांव के ही प्रधान पर लगा। वियतनाम में भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ में 7 लोगों की मौत हो गई जबकि 12 से ज्यादा लोग लापता हो गए। यूपी के शाहजहांपुर में एक ट्रक के नीचे दबने से एक लड़के की मौत के बाद गांव वालों ने नेशनल हाईवे 24 पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। यूपी के मथुरा में एसटीएफ और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की एक टीम ने बेसिक शिक्षक अधिकारी के दफ्तर पहुंचकर शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपों पर कुछ टीचर से पूछताछ की और इससे जुड़े कागजात खंगाले। यूपी के कानपुर में कुछ व्यापारियों ने लोगों को फूल देकर पौधे लगाने और प्रदूषण रोकने के लिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करने की अपील की। दक्षिणी दिल्ली के असोला फार्म में टेंट पंडाल के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि उसे बुझाने के लिए दमकल की 28 गाड़ियों को लगाना पड़ा। हालांकि इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन गोदाम में रखे लाखों का सामान जलकर राख हो गया। ये 2.5 एकड़ का एरिया है जिसमें के ये पंडाल वगैरह का मटेरियल है, अभी अंडर कंट्रोल है, कूलिंग चल रहा है। सर फायर की गाड़ी कितने आए थे? 20 के करीब। तो सर कोई इंजर्ड भी है सर? नहीं अभी। इथियोपिया की राजधानी एडिस अबाबा में वहां के प्रधानमंत्री के लिए आयोजित की गई एक रैली में धमाका हो गया। प्रधानमंत्री को निशाना बनाकर ग्रेनेड से किए गए इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जो वहां प्रधानमंत्री अभी अहमद के लिए आयोजित रैली में शामिल होने पहुंचे थे। ये धमाका रैली के मंच पर मौजूद पीएम अभी अहमद के काफी नजदीक हुआ। धमाके के फौरन बाद सुरक्षा बल के जवानों ने उन्हें मंच से हटाया। रैली में धमाका होते ही वहां अफरा तफरी मच गई। The Prime Minister was just concluding his speech and that moment there was a grenade thrown against him. ग्रेनेड की चपेट में आकर घायल हुए कुछ लोग जमीन पर पड़े नजर आए, जबकि जगह जगह खून और घायलों के जूते चप्पल भी बिखरे दिखे। बचाव दल ने घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा। पुलिस ने पीएम पर हमले के बाद 30 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर लिया।